हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर कि आप लोग जो हैं बहुत ही अच्छे होंगे। गाइस, आप में से कुछ लोगों के सवाल आ रहे हैं कि अभी लॉकडाउन के दौरान जो है एडसेंस का अप्रूवल रुक गया है, और क्या ये चालू हो गया है, कब तक चालू होगा, और कब तक हमें जो है मोनेटाइजेशन जो है अपने ब्लॉग्स को, वेबसाइट्स को जो है, या फिर यूट्यूब चैनल्स वगैरह को मोनेटाइज करने का मौका मिलेगा। सो गाइज, आज पूरी इन्फॉर्मेशन इस एडसेंस से रिलेटेड आपको देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो अगर आपने भी अप्लाई करके रखा है एडसेंस के लिए, कब तक आपका अप्रूवल होगा, क्या है सिचुएशन, कैसे होता है, तो ये सारी डिटेल आपको बताने वाला, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मंजीत डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। सो गाइज, अगर हम बात करें एडसेंस अप्रूवल की, तो सबसे पहले जो एडसेंस की, चाहे हम ब्लॉग की बात करें या किसी दूसरी वेबसाइट की बात करें, तो जब हम एडसेंस अप्रूवल के लिए डालते हैं, तो सबसे पहले अप्रूवल डालने से पहले हमें उन सब गाइडलाइंस को फॉलो करना है जो गूगल के द्वारा दी गई हैं एडसेंस को एनेबल करने के लिए। अगर वो सारी गाइडलाइंस हमने फॉलो करी हैं अपने ब्लॉग के ऊपर, और हमारे ब्लॉग के अंदर जो है कम से कम 20 से 25 आर्टिकल अवेलेबल हैं, राइट, इन दैट केस जो है आप बहुत आसानी से एडसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अब जो सबसे बड़ा जो सवाल ये आ रहा है कि लॉकडाउन के दौरान जो है, ये कहा गया है कि बहुत सारी कंपनीज पूरे वर्ल्ड के अंदर ये प्रॉब्लम हुई है, तो सभी कंपनीज के एम्प्लॉयज जो हैं वो कम कर दिए गए हैं, अभी भी पूरा जो है शिफ्ट के ऊपर नहीं आ रहे हैं, तो क्या इससे एडसेंस का अप्रूवल रुक चुका है? क्या हमें एडसेंस का अप्रूवल अभी लेने के लिए और वेट करना पड़ेगा? क्या हमारा एडसेंस अप्रूवल होगा या नहीं होगा? तो गाइज, ये सभी क्वेश्चन जो है आपके माइंड में चल रहे होंगे, तो इन क्वेश्चंस का आंसर ये है कि गाइज, यहां पर जो है जब भी हम कभी किसी एडसेंस के लिए अप्रूवल के लिए जो है रिक्वेस्ट डालते हैं, तो कोई भी मैनुअल इंटरवेंशन नहीं होता है, यानी कि गूगल जो है वो कभी भी उनकी टीम मैनुअली आपकी वेबसाइट को जो है चेक नहीं करते हैं, क्योंकि अगर ऐसा करने बैठेंगे तो उनके पास डेली बेसिस पे बहुत सारी रिक्वेस्ट, मतलब करोड़ों के अंदर जो है रिक्वेस्ट आती हैं, तो अगर ऐसे मैनुअली हर वेबसाइट को, हर ब्लॉग को जो है अगर वो रिव्यू करने लग गए, तब यहां पर प्रॉब्लम हो सकती है। अब मैनुअल रिव्यू के अंदर जो है कई सारी चीजें जो है वो कॉम्प्रोमाइज भी कर दी जाती हैं, इसीलिए तो आपके जो गाइडलाइन दी गई उनको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए, इसीलिए गूगल ने क्या करके रखा, मैनुअल इंटरवेंशन नहीं रखा हुआ है, यहां पर पूरा एक एल्गोरिदम डिजाइन करा हुआ है। तो जब भी हम अपने किसी भी ब्लॉग वेबसाइट के लिए जो है, यूट्यूब चैनल के लिए जब हम अप्लाई करते हैं एडसेंस के लिए, तो वहां पर सारी गाइडलाइन अगर फॉलो हो रही हैं, तो इन दैट केस क्या होता है कि हमें यहां पर ऑटोमेटिकली जो वहां पे बॉट्स हैं वो हमारी वेबसाइट्स को एनालाइज करते हैं, चेक करते हैं, और चेक करते हैं कि जो गाइडलाइन उसके प्रोसेस के अंदर डिफाइन करी गई हैं, क्या वो सारी गाइडलाइन जो है आपकी उस ब्लॉग वेबसाइट पे, ब्लॉग पे जो है कंप्लीटली कंप्लाई करी गई हैं। अगर करी गई हैं तो डेफिनेटली आपको अप्रूवल मिल जाएगा। यहां पर कोई भी ऐसा नहीं है कि गूगल का एडसेंस जो है वो अप्रूवल अभी ड्यू टू लॉकडाउन जो है वो रोक दिया गया है, स्टॉप कर दिया गया है। बिल्कुल एडसेंस अप्रूवल अभी भी हो रहे हैं, लॉकडाउन के दौरान भी हो रहे थे और आगे भी होते रहेंगे, क्योंकि यहां पर कोई भी इंसान जो है वो मैन्युअली किसी भी वेबसाइट को रिव्यू नहीं करता है। और आप लोग देख सकते होंगे कि बहुत सारे हमें जो है चैनल हैं जिनके ऊपर एडसेंस अप्रूवल इस दौरान हुआ है, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर एडसेंस अप्रूवल उनको मिला है, लेकिन अगर आपके पास अभी तक अप्रूवल नहीं आया है, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपकी वेबसाइट में कोई कमी रह गई हो, या आपने कोई चीज मिस कर दी हो, या फिर आपकी वेबसाइट के लिए कुछ इश्यूज मिले हों और इश्यूज का रिपोर्ट किया गया हो आपके पास, आपके पास ईमेल आया हो और आप कहीं से गलती से मिस कर गए हों, तो जल्दी से जाके आप अपने ईमेल आईडी को चेक कर लें कि क्या आपने कोई गूगल की टीम की तरफ से, जीमेल की टीम, गूगल की टीम की तरफ से कोई मेल रिसीव करा है जिसमें आपकी उस पर्टिकुलर वेबसाइट या ब्लॉग के लिए जो है आपने कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं या कुछ चीजें आपको चेक करने के लिए बोली गई हैं। अगर आपको कोई एरर्स मिले हैं, कोई ईमेल रिसीव किया है उसके अंदर कुछ इश्यूज बताए गए हैं,
उन इश्यूज को आप रेक्टिफाई करें, रेक्टिफाई करने के बाद आप वापस से रीअप्लाई करें, और रीअप्लाई करने के बाद जो है अगर आपका वो चीजें फिक्स कर दी गई हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत ही जल्द जो है एडसेंस का अप्रूवल मिल सकता है। सो गाइज आई एम श्योर कि आप लोगों को ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि लॉकडाउन है हो या नहीं हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, गूगल का जो अप्रूवल सिस्टम है दैट इज ऑटोमेटिक है, और ऑटोमेटिक के अंदर जो है पूरा यहाँ पे बॉट्स काम करते हैं, यहाँ पे कोई भी मैनुअल ह्यूमन बींग जो है उसमें एंटरवेन नहीं करता है। तो इसीलिए यहाँ पे अप्रूवल्स कंटिन्यू होते आ रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। अगर आपका कहीं डिले हो रहा है तो आप थोड़े दिन वेट कीजिए, और हमेशा अपने ईमेल पे ध्यान रखें कि जब भी आपको कोई ईमेल आए गूगल की टीम से उस पे रीड करें, चेक करें, अगर इशू रिपोर्ट करेंगे उनको फिक्स करें और वापस से रीअप्लाई करें। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा उनसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल का आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन जो है आपको मिल पाए। सो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, अगला वीडियो अंत तक सेफ रहें, अलर्ट रहें, एंड बी ऑलवेज गुड टू अदर्स।